बताएं अनिल जी, कौन से स्टॉक पर है आपकी नजर? सर आज का स्टॉक ऑफ द डे है मेरा भेल। ओहो, ये स्टॉक तो कमाल करते हुए दिखा दीप, जिस तरह के ऑर्डर्स मिले इस वीकेंड में 15,000 करोड़ से ज्यादा के एनएलसी से ऑर्डर जो मिले, ये स्टॉक कमाल करेगा। 194 रुपए 194 का स्टॉक लॉस है, 200, 204 और 210 तीन छोटे टारगेट, और उसके बाद बड़ा टारगेट 220 का। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये तो फोन 15 शेयरों की लिस्ट में शामिल है जो बैन में, मुझे भी बताए आपको भी बताए। अरे भाई साहब, लाइफ टाइम हाई पे 22,000 के इंडेक्स पे 200 रुपए के शेयर की डिलीवरी नहीं खरीदेंगे तो फिर क्या 2,000 रुपए के शेयर वाली खरीदेंगे? प्लीज डिलीवरी में लेके शांति से बैठ जाइए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और भेल 144 रुपए से मैं लगातार बुलिश हूँ, और अगर ये स्टॉक यहाँ से 50% ना बढ़े तो फिर इस स्टॉक ने किया ही क्या है। एक ही चीज है जो भेल में आपको देखनी है, क्वार्टरली रिजल्ट्स में एग्जीक्यूशन के जैसे ही संकेत आए, भेल के लिए बिजनेस प्रॉब्लम नहीं है, इतना धंधा आ रहा है, इतना बिजनेस है कि आप सोच नहीं सकते। जिस क्वार्टर में भेल ने स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन दिखा दिया, आप बिलीव नहीं करेंगे भेल का स्टॉक आपके हाथ में नहीं आएगा, उड़ जाएगा, भाग जाएगा। सो भेल को पकड़ के डील में रखिए आप, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, 15,000 करोड़ का एनएलसी से आया, ये इसके लिए गेम चेंजर होगा। तो गेम चेंजर होने वाला है ये बीएचईएल के लिए, जो बड़ा ऑर्डर आया है इस पर रखिए नजर। अनिल जी का तो खैर लंबे समय से कन्विक्शन में है, अभी भी बनकर रही है और 50% की रैली यहां से भी आ सकती है। कैश में खरीदना आज वायदा कारोबार के बैन में। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आई नो इट्स नॉट बीन इजी लुकिंग फॉर अ लोकेशन, पूरी रात आप जागे रहे हैं, कल से एयरपोर्ट पर अटके हुए हैं, आशा करते हैं जल्द आपकी फ्लाइट टेक ऑफ हो और फिर स्टूडियो में आपसे मुलाकात हो। बट बहुत बहुत शुक्रिया सर ये स्ट्रैटेजी के लिए वक्त निकालने के लिए, और मोर इंपॉर्टेंटली उतनी एयरपोर्ट के केओस में एक जगह सर ने निकाल ली हमारे साथ स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। आइए